केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने साइबर क्राइम और सुरक्षा विषय पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने साइबर सुरक्षा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और हरियाणा के सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के स्टॉल का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में हरियाणा में हुए पुलिस सुधार, पंचकुला में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना, साइबर हेल्पलाइन 1930, इसके अलावा कई जो नंबर हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए कई विषयों को लेकर चर्चा की गई। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान हरियाणा पुलिस की तारीफ भी की। हरियाणा में भारी बारिश के चलते कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कुरुक्षेत्र में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ का पानी कुरुक्षेत्र के शहरी क्षेत्र इलाकों में भी भरने लगा है। लोग अपने घरों से सामान निकालने में जुटे हुए हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी भी ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे, उनकी परेशानी जानी। इस दौरान नायब सैनी ने प्रभावित लोगों से मदद का आश्वासन भी दिया। करनाल केंद्रीय के गांव में बारिश और बाढ़ के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, जिसे देखते हुए एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने प्रभावित इलाकों में डेरा डाल लिया है। एनडीआरएफ के जवान अपनी बोट और सामान के साथ हर इलाके में पहुंच चुके हैं। लोगों की मदद का काम किया जा रहा है। डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, हर संभव मदद करने का प्रयास भी किया जा रहा है। 30 से ज्यादा गांव में बाढ़ से लोग मुश्किल में हैं। 4 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आर्मी ने अब तक 25 बच्चों और महिलाओं को रेस्क्यू कर लिया है। गन्नौर के कई गांव में हो रही बिजली की समस्या का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने 2 अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5 दिन से गांव में बिजली सप्लाई नहीं हो रही। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली न आने से पीने के पानी की भी सप्लाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बिजली सप्लाई शुरू नहीं की जाएगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अंबाला में बिजली की समस्या को लेकर बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। कई इलाकों में बाढ़ का पानी निकलने के बाद भी कई इलाकों में बिजली न आने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साई जनता ने बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना दिया, प्रशासन से जल्द बिजली सप्लाई सुचारू करने की मांग की। इंद्री के यमुना क्षेत्र के लगातार बढ़ रहे जलस्तर से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तटबंध टूटने से पानी से कई गांव पहुंच चुके हैं। वहीं लोगों की परेशानी भी लगातार बढ़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी भरने से लगातार खेतों की फसलों और घरों में रखे सामान को भारी नुकसान पहुँचा है। ग्रामीणों ने कहा कि तटबंध टूटने से यमुना के साथ लगते कई गाँव पानी की चपेट में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर किसी भी प्रकार की सुविधा न देने का आरोप लगाया।